Hello guys, welcome back to my channel. So in my today's video, I'm going to show you my August month grocery shopping as well as how I store all my grocery in my home. So many of you has requested me this video, so that's why I thought to make a detailed video on this topic. So grocery pe kabhi bhi jaane se pehle, my first and important point is to note down every single thing I need in a categories, like spices ki category mein main sari cheeze mention karti hoon. Then uske baad jo eatables hote hain jaise dal ho gayi, usko main alag se mention karti hoon, taki main jab hi bhi kisi grocery shopping pe jaun ya shop par jaun ya mall mein jaun, to usse mujhe fayda ye ho ki mujhe alag alag sections mein bhatakna na pade. Mere paas jab ek proper सॉर्टेड लिस्ट होगी तो मैं क्या करूंगी, जब स्पाइसेस के सेक्शन में जाऊंगी तो मेरे सारे स्पाइसेस वहां आ जाएंगे और मेरी चेकलिस्ट फटाफट कंप्लीट होती जाएगी. ऐसे में कोई सामान मिक्स भी नहीं होता है, कोई सामान एक्स्ट्रा भी नहीं आता है, तो मैं अलग अलग कैटेगरीज में सेक्शंस बनाती हूँ, विच मेक्स माई ग्रॉसरी शॉपिंग मोर स्मूदर एंड सिंपलर. सो आई सजेस्ट यू टू डू दिस सेम थिंग. सेट योर बजट एंड डू नॉट एक्सीड इट. मतलब आप एक प्रॉपर सेट कर लीजिए अमाउंट कि आपको 5000 4000 जिसमें वेजीज वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो, एवरी सिंगल थिंग, और उसको सेट करने के बाद कोशिश करिए कि उससे एक्सीड कुछ भी चीज़ें ना हो, सब कुछ उसमें मंथली इंक्लूड हो जाए. एक्सेप्ट हर हफ्ते में वेजीज देती हूँ तो वो अलग है. तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी इस मंथ की ग्रॉसरी शॉपिंग है. मैं आपको एकदम डिटेल्ड मैं तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबके घर के अलग अलग चीज़ों में आता है, बट मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको फटाफट से बताना स्टार्ट करती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है एंड मैं कैसे इसको स्टोर करती हूँ, कैसे इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ, वो इस वीडियो के एंड में होगा. तो वीडियो को कम्प्लीट देखना ना भूलिएगा. तो सबसे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दीज टू आटास. आटा के जो पैकेट हैं ये 5-5 केजी के आशीर्वाद सिलेक्ट शरबती आटा है. हम लोग जनरली यही वाला लेते हैं जब से ये लॉन्च हुआ है, पहले प्लेन वाला लेते थे. एंड इससे रोटियां काफ़ी सॉफ्ट भी बनती है, और वैसे तो हमारे पास एक ऑलरेडी रखा हुआ था, बट क्योंकि इसके साथ ये जूट बैग्स फ्री आ रहे थे तो विक्की ने बोला ले लेते हैं. वैसे भी हर मंथ लेना ही रहता है. 45 डेज़ में हमारा ये दोनों आटा जो है वो कम्प्लीट होता है, अगर हम दोनों हैं सिर्फ, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी डेली बनती है. देन उसके बाद ये स्नैकी चीज़ें हैं जैसे आलू भुजिया, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, जस्ट लव आलू भुजिया. देन ये गिट्स का खमन ढोकला है, मतलब क्योंकि मैं पूरा मिक्सचर जो है वो घर पे नहीं बनाती हूँ, ऐसा रेडीमेड हम लोग लेकर के आते हैं, बहुत इंस्टेंट है और माइक्रोवेव में बनाना होता है, सिर्फ 3 मिनट में बन जाता है. फिर सब ड्राई फ्रूट्स हैं ये जो मैंने लिस्ट बना करके लेकर के गई थी, वही ड्राई फ्रूट्स हैं. और उसके बाद मैं केक भी बनाती हूँ, जनरली हफ्ते में एक बार मेरा केक बन ही जाता है या महीने में 2 से 3 बार केक बनता है, तो वो फिर उसके बाद ये मेरी चॉकलेट्स हैं एंड मैगी के पैकेट्स, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ लाइफ सेवियर. जब आपका कुछ बनाने का मन नहीं करता है ना, तो दिस इज़ एक्चुअली अ लाइफ सेवियर. फिर इमली की जो चटनियाँ होती है वो भी मैं ऐसे रेडीमेड लेकर के आती हूँ, मतलब मैं उसको नहीं बनाती हूँ घर पे. एंड उसके बाद मेयोनीज वगैरह ये सब हम लोग जब भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बर्गर ये सब चीज़ें काफ़ी बनती है, सैंडविचेस वगैरह, तो उसमें टेस्टी लगती है. घी भी हम लोग ऐसे लेकर के आते हैं, ऑल्दो दिस इज़ नॉट प्योर घी और ये इतना अच्छा भी नहीं होता है, बट ओके नेवर माइंड. तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो बादाम ड्रिंक मिक्स, ये फर्स्ट टाइम मैं लेकर के आई हूँ. देन कपूर का हम लोग इस बार बड़ा पैकेट लेके आए हैं, क्योंकि कपूर साइंटिफिकली घर में लगाना भी चाहिए, जितनी भी गंदी नेगेटिविटी होती है वो तो जाती ही जाती है, साथ में जो ये मलेरिया डेंगू के मॉस्किटोज होते हैं वो घर में नहीं आते हैं, तो वो मैं जनरली लगाती हूँ हर 1-2 दिन में. इस बार ये नया मैंने ट्राई किया पिज़्ज़ा टॉपिंग, अदरवाइज मैं दूसरी पिज़्ज़ा टॉपिंग लेके आती थी, बट ये वाली पिज़्ज़ा टॉपिंग मैं लेकर के आई हूँ फॉर अ चेंज कि लेट्स ट्राई दिस. एंड उसके बाद ये बैट हम लोग लेके आए क्योंकि हमारा बैट खराब हो गया था. वेरी जनरल बेसिक थिंग जो आई थिंक सबके घरों में ही आती होगी. उसके बाद मेरी जो रोटी वाली आंटी है उन्होंने मेरा ये जग जो है बोरोसिल वाला वो तोड़ दिया था, एंड वो मेरा काफ़ी काम का है तो मुझे लेके आना पड़ा दोबारा. एंड मैं राखियाँ भी लेके आ चुकी हूँ राखी के लिए, देन अपनी कुछ क्लिप्स वगैरह हैं, फिर विक्की अपने लिए कोम लेकर के आए हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं. एंड साथ ही साथ हम लोग वेजीज भी लेकर के आ चुके हैं. तो ये थी मेरी इस मंथ की ग्रॉसरी शॉपिंग. मेक श्योर दैट यू लेबल योर स्पाइस जार, ताकि
अगर आपको कभी भी कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि इतने सारे मसाले होते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो आप उसमें अच्छे से लेबल करिए जो कि विजिबल हो और बोल्ड लेटर्स में हो, ताकि आप या आपके हस्बैंड या आपके घर में कोई भी मेम्बर रहता हो तो वो अगर उसको कुछ चीज़ चाहिए हो तो वो ईजिली वहीं से उठाए और वापस अपनी जगह पर रख दे। इससे चीज़ें काफ़ी नीट रहती हैं और मैनेज भी रहती हैं और बिल्कुल भी मैसी नहीं लगती हैं। तो आप देख सकते हो जो मेरे रेगुलर दाल सब्जी में बनते हैं वो मसाले मैंने सबसे फर्स्ट रैक में रखे हैं। जो सेकंड रैक में है वो मतलब थोड़ा कम यूज़ होता है। जो सबसे टॉप उस पे है वो ओकेजनली आप बोल सकते हो यूज़ करती हूँ। देन हम लोगों की एक और रैक है जिसमें हम हमारा पैंट्री सेक्शन हम उसको बोलते हैं, तो उसमें हमारा जितना भी ईटेबल्स है वो रखते हैं। तो इस पे मैंने कोई लेबलिंग नहीं करी बिकॉज मोस्टली जार्स आर ट्रांसपेरेंट और ये स्पाइसेस में क्या होता है ऑलमोस्ट जो मिक्सचर पाउडर्स हैं वो जैसे दिखते हैं, बट इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे आप देखिए जो पैकेट्स में आता है, जैसे मैगी का पैकेट हो गया, उसके लिए हम लोगों ने इस तरह के कंटेनर स्टोरेज जो ड्रॉर्स हैं वो यूज़ किया है। जितने भी पैक्ड आइटम्स हैं वो सब मैंने उस ड्रॉर कंटेनर्स में रखे हैं। इससे चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, ये ड्रॉर रियली बहुत हेल्पफुल है। देन आप ये देखिए जैसे खमंड है, पापड़ है, सारे इस तरह की चीज़ें जो है वो मैंने एक ड्रॉर में रखी हुई हैं। तो इस क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड ही हम लोग यूज़ करते हैं तो हमको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, हम लोग निकालते हैं और निकालने के बाद उसको वापस वहीं पर रख देते हैं। तो इससे ये वाला जो मेरा पैंट्री सेक्शन है, जो आप बोल सकते हो कैबिनेट है, ये भी बहुत क्लीन रहता है। इस वाले बॉक्स में सारे तरह के बिस्किट्स हैं तो काफ़ी क्लीन रहता है, कभी भी इसको जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी ये मैनेज रहता है और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। नेक्स्ट है कुछ जो चीज़ें हैं फ्रिज में भी हम लोग रखते हैं, तो जैसे जितनी भी पिज़्ज़ा टॉपिंग्स हो गए, देन कैचअप हो गया, इमली की चटनी हो गई, कस्टर्ड पाउडर, जलजीरा पाउडर, बटर, चीज़, ये सारी चीज़ें हम लोगों की फ्रिज में भी रखवाते हैं। तो मैं ये हमारा कन्वर्टेबल है तो मैं जैसे अपने जो चिप्स के पैकेट हैं वो भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, चॉकलेट के पैकेट्स हैं वो मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो यस, तो यही था मेरा वीडियो, एकदम छोटा सा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था इसलिए मैंने सेपरेट बनाया है। अदरवाइज मैं ग्रॉसरी शॉपिंग जनरली व्लॉग्स में इंक्लूड करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।